राम जी ने कहा गुरुदेव से कि राउर राय रजायस होई, राउर सपथ सही सिर सोई, कि मुझे शपथ खा करके कहा राम जी की सौ सुनकर कि गुरुदेवी भगवान जनक जी की ओर पूरी सभा में संकोच में पड़ गए। ये क्या कह रहे हैं, राम जी कसम खा रहे हैं कि आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन ये उचित है क्या? मेरे लिए पहले माता पिता की वचन है और गुरुदेव की आज्ञा मैं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन गुरुदेव आप मुझे सही मार्ग बता दीजिए। गुरुदेव ने कहा नहीं पुत्र, तुम्हारा जो काम है वह तुम्हें करना चाहिए, जिस कारण से आप आए हो, जिस हेतु आप यहां आए हो वह कार्य आप करिए। क्योंकि विवेक रूपी वाराह ने तत्काल प्रकट होकर के उसका उद्धार कर दिया था कि कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। श्री राम जी ने राजाज्ञा प्राप्त करके कहा कि कर्मों के लेख कोई मिटा नहीं सकता, अगर मेरे भाग्य में वन में जाना लिखा है तो गुरुदेव मुझे जाना है, उसमें आप का आशीर्वाद मुझे प्राप्त चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरे ये 14 वर्ष तो क्या 14 जन्म भी आराम से निकल जाएंगे। आशीर्वाद में वो शक्ति है कि कष्ट में अगर आशीर्वाद मिलता रहे ना तो आशीर्वाद से दुख की घड़ी जल्दी जल्दी से निकल जाती है। भरत जी बोले भैया आप जैसा कहें अब मैं वैसा ही करूंगा, कि कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन्हि कृपा जुड़कर कि राम जी के चरणों में प्रणाम किया और चरणों में गिर पड़े कि भैया आप जैसे कहें मैं वैसे करूंगा। परमात्मा स्वयं शिथिल हो गए, भरत जी के प्रेम में शिथिल हो गए। भरत जी का प्रेम है,
भाई भाई का प्रेम भरत और राम के जैसे हो जाए तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, फिर राम को अवतार लेना पड़ेगा। किरा रघुराओ मिथ शिथिल स्नेह साधु समाज मुन मिथिला धनी मन मऊ सराहत भरत भाईप भगत की महिमा घनी। तो किसकी महिमा ज्यादा है? भगत की। भगवान से ज्यादा भगत की महिमा बताई है, राम से ज्यादा नाम की महिमा बताई है। इसलिए नाम की महिमा, नाम का जप और भगवान का भक्त ये तीर्थ है। कि भरत प्रशंसत विबुध बरसत सुमनु मान सुमलनु से तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे निसागम नलिन से। तो सबकी स्थिति देख करके भक्तों के हृदय में जानने वाले प्रभु मंगल हेतु वचन बोले। भरत भैया, भगवान श्री राम भरत से कहने लगे कि करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंधु गण कुसुमय किम कहीं जात। कि अब आप जाइए, मैं चित्रकूट में निवास करूंगा, मेरा जब तक का यहाँ समय है मैं वहाँ अपना पूरा करके मेरा जो भी कार्य है मैं वापस लौट करके आऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा भरत कि मैं अपना प्रेम देकर के तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करवाऊंगा। चुकि बाटी विपत सबई मोही भाई कि तुमही अविद्या भर बड़ कठिनाई। इसलिए अयोध्या में आप वास करिए, जो भी समय निकले जैसा भी निकले आप चले जाइए, मैं यही निवास करूंगा। तो भरत ने राम जी से कहा कि प्रभु मैं आपके लिए अभिषेक के लिए सामग्री लेकर के आया था, उसका मैं अब क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि अत्रि जी महाराज हैं यहाँ अत्रि ऋषि, उनसे आज्ञा लो, जैसे वो कहें उस हिसाब से आप काम करिए। तो भगवान की आज्ञा लेकर के राज्याभिषेक का जितना भी सामान था अत्रि ऋषि के पास में गए और अत्रि ऋषि ने उसी वन में चित्रकूट में ही एक कूप बताया यानी कुआ, कहा कि इस कुएं में इस राज्य सामग्री को आप रख दीजिए और आज के बाद इस कुएं का नाम पड़ेगा भरत कूप, भरत जी का कुआ। आज विदा का दिन है, सब लोग भगवान श्री राम के चरणों में चिंतन करके बैठे हुए हैं। भरत जी ने अयोध्या जाने के लिए अनुमति ली कि अब गोसाई मोहि देहु रजाई सेवो अवध अवध भर जाई। कि राघव अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं प्रस्थान करूंगा और माताओं से भी आप कहिए कि वो मेरे साथ में चलें, लेकिन मैं राजसत्ता का मालिक नहीं बनूंगा, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे सेवक बनकर के ही रहना है। कि गुरु पितु स्वामी कि गुरु पितु मात स्वामी सिखो पाले
आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि तो प्रभु आपकी कृपा हुई तभी हम आपका यहां वन में दर्शन कर पाए, नहीं तो आपका हम दर्शन नहीं कर पाते। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।